यूनिवर्सिटी रशिया में, फिफ्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अनिमी नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली आज मैं यहाँ पे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बाउंड्री के अंदर खड़ी हूँ एंड मैं तुम्हें पूरे कैंपस का टूर कराऊंगी कि कैसे यहाँ पे कैंपस है एंड कैसी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो ये कैंपस है, ठीक है, कैंपस की पहली बिल्डिंग है। यहाँ पे आपकी लगेगी न्यूरोलॉजी बिल्डिंग बोलते हैं इसे, यहाँ पे आपकी लगेगी न्यूरोलॉजी की क्लास एंड माइक्रोबायोलॉजी की क्लास एंड अभी तो मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में कुछ क्लासेस आपकी इसी बिल्डिंग में लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा एक लोगो है आई लव सैमसंग का, एंड वो जो तुम हॉस्टल देख रहे हो वो वाला, वो हॉस्टल जो है कम्प्लीटली रशियंस के लिए है, ठीक है। सारे रशियन लोग ही वहाँ पे रहते हैं, रशियन स्टूडेंट्स। एंड तुम लोकेशन देख लो, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ये मेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे स्पेयर बैंक है एंड सारी जितनी भी आपको जरूरत की चीजें हैं वो सारा वहाँ पे पेत्रोचका है, ठीक है। पेत्रोचका मागदी ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ से आपको आपका डेली का सामान मिलता है, दूध वगैरह, तो बहुत पास में है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इंडियंस का हॉस्टल कहाँ पे, आओ। तो ये रहा आपका हॉस्टल के लिए जो एंट्रेंस है, यहाँ से आप हॉस्टल के लिए अंदर एंटर करेंगे एंड अगर आपको अंदर से हॉस्टल देखना है तो आप जाके मेरी हॉस्टल टूर वाली वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि अब हम कर रहे हैं कैंपस टूर। देख रहे हो यहाँ से आप जब भी आपकी, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस लगेगी, तो जो आपकी क्लासेस लगती है वो सारी उस गेट से आपको जाना पड़ता है। बच्चे आते हैं इस हॉस्टल से उतर के इस गेट से जाते हैं अंदर क्लासेस के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब हॉस्टल नंबर 2। ये मेन गेट है, इसके अंदर से कोई भी कैब कोई भी व्हीकल कार अलाउड नहीं होती, ठीक है। जो भी आता है कैब वैब से अगर तुम जाते भी हो तुम कैब मंगवाते हो तो तुम्हारा सब कुछ यहीं तक के आता है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि पहला चेक पॉइंट है, यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है तो वो हमेशा एक ना एक गार्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड इस साइड में ये हॉस्टल नंबर 4 है, इसी के जस्ट पीछे हॉस्टल नंबर कोई तो है जहाँ पे रशियंस रहते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसके आजू बाजू क्या है। तो ये रियल बिस्ट्रो है, चलना, सुंदर लड़की बैठी ना उधर, चलिए। तो ये रियल बिस्ट्रो है, रियल बिस्ट्रो में हमेशा अमीर लोग बैठते हैं तो वो लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हम जाएंगे थोड़ी सी फ्री की रोटी तोड़ेंगे, मतलब फ्री के फ्रेंच फ्राइज खाएंगे एंड मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पे है। तो काफ़ी पारिवारिक माहौल है, हम चप्पल में ही घूम रहे क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं देंगे ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे काफी बार इंडियंस खेलने जाते हैं। अभी तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे कैसा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और सारी बर्फ पिघल गई है, तो बच्चे बहुत ज्यादा खेलने जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे बस खेलने ही जाते हैं। इन सभी की मम्मी को मैं नाम बताऊंगी जितने बच्चे खेलने जाते हैं, स्पेशली वारूडे रोज खेलने जाता है। घर पे तुम लोगों को मम्मी की परमिशन लेनी होती है ना क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ पे किसी की परमिशन नहीं होती, ऐसा बोलना भी नहीं पड़ता कि मम्मी मतलब खेलाने जाओ देना वो चल ले उठले फुटले का चल ले खेला, ठीक है। तो ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो मेरे पीछे पीछे, ये हॉस्टल की बिल्डिंग होगी, हॉस्टल की बिल्डिंग का पीछे का साइड, ठीक है। अब ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये सारी जो बिल्डिंग्स है ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल की टेरिटरी है, पूरा हॉस्पिटल, ठीक है। कम से कम 5-7 किलोमीटर होगा यार, एग्जैक्टली पता नहीं, बट पूरा का पूरा हॉस्पिटल। वहाँ पे दिखोगी तो जाके दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है बिल्डिंग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लिखा है क्लिनिक की समाज का वो कसुदास का वो मेडिंग्स का वो यूनिवर्सिटी का, मतलब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लिनिक। अब हम अंदर से चल के देखेंगे कैसा क्लिनिक है। ये तो ये नेफ्रोलॉजी सेंटर है और जब आप पहली बार आओगे ना यहाँ पे समारा में तो आपको आपका एक प्रोपोज बनवाना होता है कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड, तो वो यहीं पे बनेगा। इस तरफ से इतना सुंदर कैंपस है, एक इस तरफ देखो ये क्लिनिक का अगला पार्ट है, यहाँ से पूरा अलग क्लिनिक है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसी तुम्हें मतलब बैठने के लिए है यहाँ पे ऐसे।
थेरेप्यूटिक पर्पस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है। बेसिकली ये मैप की तरह है, मान लीजिए जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है, यहाँ पे बेसमेंट होता है, ठीक है। बेसमेंट को यहाँ पे जीरो एताज, एताज मतलब फ्लोर। तो जीरो फ्लोर पे दो एंट्रेंस है, एक मेन एंट्रेंस और एक दूसरी साइड से एंट्रेंस। तो जीरो फ्लोर पे मतलब बेसमेंट में एक साइड से है आपके आपका ग्रेविटेशन सेंटर, ग्रेविटेशन थेरेपी सेंटर, ठीक है। दूसरी साइड है पैथोलॉजी, जिसकी एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है वो, तो फर्स्ट फ्लोर पे है आपका प्रियम नो है, डायग्नोस्टिक, जिसकी है मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर। फर्स्ट फ्लोर के दूसरी साइड है थेरापेटिक, जिसको थेरापेटिक सेंटर। उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो सेकेंड फ्लोर पे एक साइड से है हेमेटोलॉजी सेंटर, दूसरे साइड से भी है हेमेटोलॉजी सेंटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फ्लोर के थर्ड साइड से है क्यूरोलॉजी, जिसकी एंडोस्कोपी, ठीक है, सर्जिकल एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर पे एक मेन एंट्रेंस से है पल्मोनोलॉजी, ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, और उसके बाद है नेफ्रोलॉजी, और फोर्थ फ्लोर पे है पूरा का पूरा गिनेकोलॉजी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वाले कॉर्पस में कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट की जब भी आपकी क्लास लगेगी, ये मुझे क्लास लगेगी। अब देख लो, हमने जहाँ से बॉर्डर ही देखी थी आखिरी से हॉस्टल के साइड से, जब आते जहाँ आपको ग्राउंड दिखाया था, वहां से लेकर के पूरा का पूरा जो है थेरेपेटिक कॉर्पस। तो जब भी आपकी हॉस्पिटल थेरेपी या फिर सर्जरी की क्लास लगेगी, तो आपकी सारी क्लास में इसी इसमें लगेगी थेरेपेटिक कॉर्पस। यहाँ पे लिखा भी है थेरेपी टीचर्स की कॉर्पस। ये एड्रेस बताया, जैसे उस साइड में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉर्पस उस तरफ है। थेरेपी टीचर्स की कॉर्पस मैंने आपको बताया ये थेरेपेटिक कॉर्पस है। उसके बाद इस साइड आइए, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियोनी कॉर्पस मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस का कॉर्पस। उसके बाद सेंटर प्रोपैथोलॉजी इसी तरफ है, और उसके बाद सेंटर इन्फेक्शियोनी वॉलेजनी गैपैथोलॉजी और पैरासिटोलॉजी इम्यूनोलॉजी। उन सबके कैंपस, उन सबके कॉर्पस मतलब बिल्डिंग इसी तरफ, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरी जब ड्यूटीज लगती है थेरेपी में या सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो देखो ये पूरा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे पेशेंट्स होते हैं, और यहीं पे हमारी ड्यूटी लगती है। मतलब तो विंडो से अगर मैंने बहुत बार वीडियो डाली है, तो मैं विंडो से जो दिखाती हूँ ना, तो मैं ग्राउंड झाड़िया वाड़िया ये वही जगह है, ठीक है। तो ऐसा पूरा दिखता है वहाँ पे, दिखा ऐसा। ये जो तुम पूरा का पूरा बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हमारा है डायग्नोस्टिक सेंटर। अभी जिस कॉर्पस, जिस बिल्डिंग के आगे मैं खड़ी हूँ, ये है डायग्नोस्टिक सेंटर। जैसे हमने देखा था वहाँ पे कि यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो तुम देखो वहाँ पे लिखा हुआ है केटी, ठीक है, मतलब सीटी, और एमआरटी सिटी स्कैन और एमआरटी एमआरआई यहाँ पे होता है, उसको रशियन में केता ई एमआरटी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे आपके सारे एनालिसिस होते हैं। एंड काफी बड़ा है, तुम देख सकते हो कितना बड़ा है ये, ठीक है। अब तुम्हें भले ही इसकी लोकेशन समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, मैं बता दूँ। वो देखो, वो जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो, वो वाली, वो हुआ हमारा हॉस्टल, ठीक है। उसको मैंने आपको हॉस्टल बताया था। उसके बाद ये वो है प्रियोमना अदेली ने मतलब थेरेपेटिक कॉर्पस, जो मैंने आपको दिखाया था कि थेरेपेटिक कॉर्पस है। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में आए क्लिनिक के, जो कि है पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे आपके सारे एनालिसिस होंगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इसके थर्ड पार्ट में, चलो। बड़ा क्लिनिक है, ठीक है, जिसके हम बैक साइड में है। अब हम उसकी आगे के साइड में जा रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये क्लिनिक इस क्लिनिक से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए, तो आपने भी बहुत सारी वीडियो में ना देखा होगा कि मैं ऐसे टनल के थ्रू लंबा चलती जा रही हूँ, ठीक है। नहीं देखा हो तो जाके देखो। तो ये वो टनल है, ठीक है, टनल भी बोलते हैं इसको, या रास्ता मान लीजिए, ठीक है। ये जो बड़े बड़े चबूतरे सामान देखो ना, बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो क्लिनिक है, ये जो टनल है, इस टनल को ये जो मैंने आपको थेरेपेटिक कॉर्पस दिखाया, इस कॉर्पस के साथ ये टनल जोड़ता है। तो हम लोगों को इतना चल के नहीं आना पड़ता है जितना मैंने आपको दिखाया। ये टनल ही सीधा पूरा अंडरग्राउंड टनल है जो तुम्हें सीधा इसमें से जोड़ता है। और ये जो ऐसा चबूतरा सामान देख रहे हो ना आप, ये ऐसा बना हुआ, ये उस टनल की छत है, उसके ऊपर ऐसे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो ये सारा ऐसा तुम देख रहे हो ना,
ये पूरा का पूरा वो टनल है जो अंडरग्राउंड है कम्प्लीटली, एक कॉर्पस को दूसरे कॉर्पस से जोड़ता है। तो अभी हमने जो टनल जोड़ने वाला उस टाइम के पीछे की बिल्डिंग का हिस्सा देखा, अब हम उसके आगे का हिस्सा देखने जाएंगे। तो एक बार उधर देखो अभी हम कहाँ पे, मैं तुम्हें समझाती हूँ ठीक है। वो जो है हमने थेरापेटिक कॉर्पस देखा, फिर मैंने तुम्हें वो टनल दिखाया जहाँ चबूतरे चबूतरे बने हुए हैं। अब हम जाके मेन क्लिनिक का मेन एंट्रेंस देखेंगे। ये जो बिल्डिंग है ना ये वाली, ये पूरी उसका बैक साइड है ठीक है। तो ये मैं आपको क्लिनिक दिखाऊंगी आगे, बट ये एक बार लोकेशन देख लो। ये जो है ना ये सिटी की मेन रोड है ठीक है। यहाँ पे तो पार्किंग के लिए स्लॉट है पूरा का पूरा, हॉस्पिटल्स के जितने भी पेशेंट्स डॉक्टर्स आते हैं सबके लिए, बट उस तरफ मेन रोड है ठीक है। थोड़ा सा जूम कर ठीक है, देख रहे हो वो मेन रोड है। एंड जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें खाने के लिए छोटे मोटे कैफेटेरिया का सामान यहाँ पे पिकार खाया होता है। तो आगे चल के देखते हैं क्लिनिक। तो ये है वो मेन रोड ठीक है, एंड ये है हमारा क्लिनिक। तो ये है वो क्लिनिक जहाँ पे मेरी सारी क्लासेस लगती है ठीक है। एंड वहाँ पे लिखा भी है क्लिनिक की समाज का हो, पशुपाश का हो, पॉलिटिक्स का हो, यूनिवर्सिटी मतलब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लिनिक, जो कि मैंने आपको बताया है कि अभी रशिया में सिर्फ ऐसे बहुत कम क्या दो ही यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पास खुद का हॉस्पिटल है ठीक है। बिकॉज रशिया में क्या होता है कि जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो एजुकेशन के अंदर मिनिस्टर के अंदर आता है, एंड जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसीलिए आप उस हॉस्पिटल के मतलब उस सिटी के हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, किसी भी सिटी के पास खुद का हॉस्पिटल नहीं है सिवाय दो यूनिवर्सिटी से। खुद के हॉस्पिटल है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैंने आपने दिखा दिया वहाँ पे लिखा है क्लिनिका समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ठीक है। तो अंदर से जाके देखते हैं। अरे आज तो सैटरडे शायद बंद होगा, कोई बात नहीं, मेरी सारी वीडियो देख लेना, क्या ही जाएगा, देख ली तो वीडियो। तो ये रहा मेन रोड, वहाँ पे चर्च है, दूसरी तरफ से मॉस्क है ठीक है। एंड ये रहा हमारा क्लिनिक जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिक। तो हम इसके ऊपर आए हैं, यहाँ पे आप ऊपर भी आ सकते हो ऐसे, अच्छा है, काफी अच्छा है, इसके ऊपर भी जा सकते हो, बट अब मैं थक गई बहुत हो गया। जस्ट क्लिनिक के सामने ही हूँ, तब से चली रही हूँ, आता हूँ साइड लगूंगा। तो मैं बस अपने हॉस्टल जा रही हूँ, देखते हैं हॉस्टल पर। हॉस्टल आ गई थी, ग्राउंड दिखाने का रह गया था। ये देखो ये ग्राउंड है, ये बच्चे इसमें खेल रहे हैं। अगर तुम बास्केटबॉल ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, जाकर के वहाँ क्रिकेट ना खेलो तो तुम इंडियन कैसे हुए। तो ये जो हमारे बच्चे हैं हॉस्टल के, ये देखो एक जो मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ खेल रहे हैं, जब से गर्मी गई है ना ये बच्चे सिर्फ खेल रहे हैं। अभी हमारी तारा सदारा वैष्णवी विवाह भी वहाँ पे खेल रही है, मस्त बच्चे खेलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आई होप कि मैंने आपको कैंपस टूर कराया, भाई बहुत मेहनत लगी यार, इतना चला है मैंने लिटरली। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, तो ठोक दो लाइक के बटन, सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो। हर कोना कोना मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं दिखाया क्योंकि मेरा उतने दूर चल के जाने की हिम्मत नहीं है, दूर से दिखा दिया वैसा ही है ठीक है, बास्केटबॉल फुटबॉल सभी है ग्राउंड है वो ठीक है, तो दिखा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड अगर आपको इससे अलावा कोई और क्वेरी है, यहाँ ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, +7 901 098 1271, सेम +7 के साथ सेव करना, बिकॉज जैसे अपने इंडिया में +91 होता है, यहाँ पे +7 है। एंड व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए।